हेलो गाइज, नमस्कार। मैं हूं अमित और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। जैसा कि मैंने इंस्टाग्राम पे पोल डाला था कि अगली वीडियो आप कौन सी चीज़ पे देखना चाहेंगे, तो ज़्यादा तो लोगों ने कहा था कि कंप्रेसर के ऊपर। तो आज की वीडियो कंप्रेसर के ऊपर होने वाली है और मैं बता दूं कि ये वीडियो दो पार्ट में होगी। आज इसका पहला पार्ट है पार्ट 1। पार्ट 1 में मैं जितने फंडामेंटल्स हैं कंप्रेसर के, कि थ्रेशोल्ड क्या होता है, रेशियो क्या होता है, अटैक क्या होता है, रिलीज क्या होता है, मेकअप गेन क्या होता है, जितनी नॉब्स होती हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, ये मैं बताऊंगा आपको। और इसके साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि जितने मीटर्स होते हैं, गेन रिडक्शन मीटर, इनपुट मीटर, आउटपुट मीटर, तो ये मैं बताऊंगा आपको। और पार्ट 2 में मैं बताऊंगा कि आप कंप्रेसर कैसे लगा सकते हैं अगर आप एकदम एब्सोल्यूट बिगनर हैं, आप जस्ट शुरू किए हैं गाना बनाना, आप ईयर ट्रेंड नहीं हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ईयर ट्रेंड नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप गाना नहीं बना सकते हैं, आप कंप्रेसर नहीं लगा सकते हैं। सबकी टेक्निक होती है, आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, क्या तरीका होता है, कौन सी अप्रोच होनी चाहिए कंप्रेसर लगाते समय, वो मैं बताऊंगा पार्ट 2 में एक बिगनर के लिए। और पार्ट 1 में मैं पूरा फंडामेंटल बिल्ड करूँगा। दोनों ही पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर दोनों आप पार्ट देख लें तो कंप्रेसर से सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मैंने कल एक वोकल अपने फ़ोन में रिकॉर्ड किया हुआ था, वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, मैं आपको सुनाता हूँ पहले। उड़ जा काले कावा तेरे मूछ खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा, मैं सदके जावा। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गई मिठियां आंबियां, ये छोटी सी जिंदड़ी। तो मैंने यहाँ पे दो कंप्रेसर लिया हुआ है। एक कंप्रेसर ये है जो कि CLA का 76 है, बहुत ज्यादा पॉपुलर कंप्रेसर ही है, और ये है स्टॉक कंप्रेसर क्यूबेस का। अगर आप कोई दूसरा DAW यूज करें फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारी चीजें सेम होती हैं, फंडामेंटल सेम है। तो कंप्रेसर को समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि थ्रेशोल्ड क्या होता है, रेशियो क्या होता है, अटैक क्या होता है, रिलीज क्या होता है, मेकअप गेन क्या होता है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको सारे कंप्रेसर में मिलेंगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड है, यहाँ रेशियो है, यहाँ अटैक है, यहाँ रिलीज है, यहाँ मेकअप गेन है, ठीक। सेम चीज़ यहाँ पे आपका थ्रेशोल्ड है जो कि इनपुट लिखा हुआ है, और ये रिलीज है, अटैक है, रेशियो है, ठीक है। अगर मैं कोई दूसरा कंप्रेसर लेता हूँ तो यहाँ भी सेम चीज़ है, यहाँ पे आपका मेकअप गेन है, यहाँ पे थ्रेशोल्ड है, यहाँ रेशियो है, ये अटैक है, ये रिलीज है, ठीक है। तो सारी चीज़ें सब में सेम होती हैं। पहले तो ये जान लेते हैं कि कंप्रेसर का काम क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने वोकल्स रिकॉर्ड किया उसमें आप देख रहे हैं कि कहीं कहीं ये बहुत ज़्यादा लाउड है और कहीं कहीं बहुत ज़्यादा क्वाइट है, ठीक है। और जो इसके बीच का डिफरेंस होता है, मतलब जो सबसे क्वाइटेस्ट पार्ट है और जो सबसे लाउडेस्ट पार्ट है, इसका जो बीच का डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं डायनेमिक रेंज। अब डायनेमिक रेंज बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि ये पर्टिकुलर ऑडियो फाइल मिक्स में ब्लेंड होगी या नहीं। अगर डायनेमिक रेंज बहुत ज़्यादा है, जैसे कि इसमें बहुत ज़्यादा है, लाउडेस्ट पार्ट इतना ऊपर है और जो क्वाइटेस्ट पार्ट है वो इतना ऊपर है, ठीक है। इसमें डायनेमिक रेंज बहुत ही ज़्यादा है जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है मिक्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी को रिड्यूस करने के लिए हम कंप्रेसर का यूज़ करते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ पेंट पे और वहाँ पे मैं डिटेल में बताता हूँ चीज़ें, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता दूँ कि जो सबसे सॉफ्टेस्ट पार्ट होता है और जो सबसे लाउडेस्ट पार्ट होता है उसके बीच के डिफरेंस को हम डायनेमिक रेंज कहते हैं, और ज़्यादा डायनेमिक रेंज बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है मिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसको कम करना, रिड्यूस करना या कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब बहुत लोग कहेंगे कि जहाँ पे लाउड है वहाँ पे हम फेडर डाउन कर सकते हैं, हम वॉल्यूम कम कर सकते हैं। ऑब्वियस ही बात है, हम कम कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि जो क्वाइटेस्ट पार्ट है वो और ज़्यादा कम हो जाएंगे, वो और ज़्यादा उनकी वॉल्यूम कम हो जाएगी, तो ये फंडा नहीं काम करेगा। दूसरी टेक्निक हम लगा सकते हैं कि हम ऑटोमेशन लगा सकते हैं, कि जहाँ पे वॉल्यूम कम है वहाँ पे थोड़ा सा ऑटोमेशन से बढ़ा दें, जहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है वहाँ पे ऑटोमेशन से कम कर दें, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है ये वर्क करेगा, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्या क्या बटन्स या नॉब्स हमारे पास होती हैं एक कंप्रेसर को सेट करने के लिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं थ्रेशोल्ड क्या होता है। मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे थ्रेशोल्ड मैंने सेट कर दिया कि मैं इतने ऊपर लगाऊँ या फिर नीचे लगाऊँ, मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। मैंने थ्रेशोल्ड यहाँ पे सेट कर दिया। अब क्या है कि अब जो कंप्रेसर काम करेगा वो इसके ऊपर ही काम करेगा, इस थ्रेशोल्ड के ऊपर काम करेगा, इस थ्रेशोल्ड के नीचे नहीं काम करेगा। अब बात करते हैं रेशियो की, कि रेशियो क्या होता है। अब रेशियो होता है कि कितना हार्ड कंप्रेशन लगेगा, ठीक है, कि ये जो थ्रेशोल्ड के ऊपर की जो पीक निकली ये कितना दबेगी, कितना नीचे हम इसको करना चाह रहे हैं। अब जैसे मैंने रेशियो रखा है 2:1,
ठीक है, मैं माउस से लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा गंदा लिखा रहा है ये, थोड़ा सा नहीं काफी गंदा लिखा रहा है। अब ट्विस्ट वन मैंने रेशियो रखा, इसका मतलब ये है कि जितना डीबी सिग्नल थ्रेशोल्ड के ऊपर जाएगा उसको इस रेशियो में ये कंप्रेस कर देगा। मतलब अगर ये 2 dB है तो इसको ये 1 dB कर देगा, अगर ये 4 dB है तो इसको 2 dB कर देगा। ठीक है, मतलब इसको इतने रेशियो में कंप्रेस कर देगा। तो ये फिलहाल हमें इतना मिल पाएगा क्योंकि आधा कंप्रेस कर देगा। ठीक है, कंप्रेस होने के बाद हमें इतना सिग्नल मिलेगा इसका। ऐसे ही अगर ये 4 dB इसको 2 dB कर देगा, अगर ये 2 dB है तो इसको भी इसका आधा कर देगा, इसको 1 dB कर देगा, इसको इतना कर देगा। ठीक है, इसको भी इसका आधा कर देगा। ऐसे करके जितनी सारी पीक्स निकली हैं थ्रेशोल्ड के ऊपर उनको इस रेशियो में कंप्रेस करेगा, इससे हमारी जो डायनेमिक रेंज है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं इसको 4:1 में करता हूँ तो थ्रेशोल्ड के ऊपर का जो सिग्नल जितना डीबी थ्रेशोल्ड के ऊपर जा रहा है उसको 4:1 के रेशियो में ये करेगा कि अगर ये 4 dB ऊपर गया है तो इसको ये रिड्यूस करके 1 dB कर देगा। मतलब अगर इतना गया ऊपर ये तो इसको इतना छोड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर देगा। ऐसे इसको इतना छोड़ेगा, मतलब कंप्रेशन और ज़्यादा भारी होगा। ठीक है, तो ये रेशियो का काम होता है। तो इसको कंप्रेस करने के बाद क्या होता है कि जो वेव फॉर्म होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। ठीक है, मतलब कंप्रेसर लगाने के बाद आपकी वॉल्यूम घट जाती है। वॉल्यूम को हम डीबी में मेज़र करते हैं और ये जितना माइनस से जीरो की तरफ आता है उतना ये तेज होता है। मतलब यहाँ पे कम है वॉल्यूम, यहाँ से जैसे ऊपर आ रहा है तेज है तेज है तेज है, ऐसे करके तेज होता है। ठीक है, ये मैं उनके लिए बता दिया जिन्हें नहीं पता। ठीक है, तो अगर कंप्रेसर लगाने से पहले मेरी जो वॉल्यूम थी वो थी -4 dB। ठीक है, मैंने कंप्रेसर लगा दिया, इसने वॉल्यूम को घटा दिया। ठीक है, और ये वॉल्यूम सपोज कर दिया इसने -8 dB। ठीक है, 4 dB इसने आवाज़ घटा दी। ठीक है, अब ये जो आवाज़ घटाया इसने, इसको कहते हैं गेन रिडक्शन। वो इस मीटर पे शो करेगा, यहाँ पे दिखाएगा कि -4 dB का गेन रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, मतलब हमने इनपुट डाला था -4 dB का और कंप्रेसर लगाया, आवाज़ नीचे आ गई, आवाज़ कम हो गई, अब हो गई आवाज़ -8 dB। ठीक है, तो हम इसमें मेकअप गेन का यूज़ करेंगे ताकि ये आवाज़ दोबारा बढ़ के -4 dB पे आ जाए और जितना हमने आवाज़ डाला था, जितना हमने इनपुट डाला था उतना आउटपुट मिले और कंप्रेशन भी उसमें लगा रहे। ठीक है, तो हम मेकअप गेन में थ्योरी के अनुसार -4 dB बढ़ा देंगे ताकि इनपुट जितना जा रहा है उसके बराबर जो आउटपुट है वो भी आ जाए। तो थ्योरी कहती है कि -4 dB का अगर गेन रिडक्शन हो रहा है तो -4 dB हम बढ़ा देंगे, लेकिन प्रैक्टिकली हम ऐसे नहीं बढ़ाते हैं। प्रैक्टिकली कैसे बढ़ाते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इनपुट मीटर में दिखाता है कितना डीबी सिग्नल हमने डाला है और गेन रिडक्शन में दिखाता है कितना गेन रिडक्शन हुआ कंप्रेशन लगाने के बाद, और आउटपुट में दिखाता है कि जो हमने इनपुट डाला था उसमें जब गेन रिडक्शन लगा कंप्रेसर लगा उसके बाद क्या आउटपुट आ रहा है। ऑब्वियसली बात है ये कम आएगा, लेकिन इसको हम मेकअप गेन लगा के बढ़ा देते हैं। ठीक है, जैसे हमारा कर्सर होता है, ठीक है, ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे दिखाएगा -4 dB गेन रिडक्शन। अब सपोज़ ये आगे गया, यहाँ पे -2 dB का अगर गेन रिडक्शन हुआ तो यहाँ पे ये मीटर -2 dB दिखाएगा। आगे गया, सपोज़ यहाँ -3 dB का गेन रिडक्शन हुआ तो यहाँ पे -3 dB दिखाएगा, और इसके साथ साथ इनपुट आउटपुट भी दिखाएगा। और ये जैसे जैसे आगे पीछे जाएगा वेवफॉर्म से होते हुए, वैसे ये वैल्यूज़ ऑल्टर करेंगे क्योंकि इनपुट आउटपुट गेन रिडक्शन हमेशा चेंज हो रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको थ्रेशोल्ड रेशियो और मेकअप गेन बता दिया। अब आते हैं प्रैक्टिकल की तरफ कि कैसे ये काम करता है, उसके बाद मैं अटैक रिलीज आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं बहुत ज़्यादा डायनेमिक रेंज में अंतर है। अब इसको हमें कम करना है तो हम कंप्रेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं आपको पहले यहाँ पे सुनाता हूँ, इसको यहाँ पे कर देता हूँ ताकि आप डिफरेंस सुन पाएं कितना ज़्यादा डिफरेंस है, जबकि ऑलरेडी आपने ये सुन लिया है। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गई मिठियां ये छोटी। ठीक है, तो मैं लूंगा यहाँ पे एक कंप्रेसर और अभी मेरा मकसद है बस आपको बताना कि कैसे कंप्रेसर काम कर रहा है। बाकी लगाते हैं कैसे कंप्रेसर, ये पार्ट टू में मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो अभी मैं इसका रेशियो 2:1 रखता हूँ, मैं अटैक कर देता हूँ करीब 25, मैं रिलीज रखता हूँ 10। मेकअप गेन अभी कैसे लगाएंगे वो बताऊंगा मैं इसका कर देता हूँ ये सदके जावा, बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गया मिठियां बियां। ठीक है, देखिए अगर मैं इसको बंद करता हूँ तो इसकी आवाज काफी लाउड हो जाएगी। ठीक है, मैं ये दिखाता हूँ बस इतना पार्ट, मैं बता रहा हूँ कि मेकअप गेन कैसे लगाते हैं। ठीक है, संदेशा, संदेशा,
ठीक है, मैंने इसको बंद किया, मैं इसको सुना, मैं इसको चालू किया, मैं सुना, मुझे कम लग रहा है, मैंने मेकअप गेन थोड़ा सा लगा दिया। मेकअप गेन मतलब होता है थोड़ा सा गेन हमने बढ़ाया। मैं फिर इसको बंद किया कंप्रेसर को, मैं सुना इसको, मैंने फिर कंप्रेसर चालू किया। अब मुझे कंप्रेसर बंद करके कंप्रेसर चालू करके वॉल्यूम सेम लग रही है, ठीक है। तो ऐसे करके मेकअप गेन लगाते हैं। अब हमारा कंप्रेसर लग चुका है, तो यहाँ पे जो हमें बहुत ज़्यादा हाइक दिख रहा था वॉल्यूम का, कि अचानक बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ गया, मैं कंप्रेसर बंद करता हूँ फिर सुनाता हूँ। आपको ध्यान देना है कि जो ये वाला वॉल्यूम है और जो ये वाला वॉल्यूम है, इसमें कितना डिफरेंस। अभी बंद है कंप्रेसर, ठीक है। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गया मिठियां बियां। ठीक है, अब मैं कंप्रेसर चालू करता हूँ और अब आपको देखना है कि इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है। बहुत कम डिफरेंस होगा, डिफरेंस तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि हमें किल नहीं करना है डायनेमिक रेंज में, बस कंट्रोल करना है। मेरा मैं सदके जावा, बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गया मिठियां बियां। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी वीडियो में समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस होती हैं, हम देखते हैं और हमें लगता है यार कुछ तो नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। तो देखो कंप्रेसर अभी बंद मैं करता हूँ। अब मैं कंप्रेसर चालू करता हूँ और फिर प्ले करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम कम है, तो यहाँ पे गेन रिडक्शन बहुत कम होगा, हल्का हल्का होगा, बस हल्का हल्का कंप्रेस करेगा। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे जैसे ही कर्सर आएगा, गेन रिडक्शन बहुत ज़्यादा होगा, ताकि वो डायनेमिक रेंज को कंट्रोल कर सके। यहाँ पे आप गेन रिडक्शन पे ध्यान दीजिए। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गए। तो अगर आपको सुन के नहीं पता चला है ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ इस फाइल को, और फिर कैसा कंप्रेसर लगा है आप वेव फॉर्म के जरिए देख लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्का हल्का कंप्रेसर लगा, ये जो पीक्स हैं ये कट गई हैं, ठीक है। और यहाँ पे इतना ज़्यादा डायनेमिक रेंज था, इतना ज़्यादा डायनेमिक रेंज था, इसको रिड्यूस करके इसने इतना कर दिया, ठीक है। तो अब ये जो वोकल्स हैं ये मिक्स में बहुत अच्छे से बैठेंगे और हमें थ्रू आउट द मिक्स अच्छे से सुनाई देंगे, ठीक है। तो मैं करता हूँ वोकल को रिमूव। रेशियो भी हो गया, मेकअप गेन भी हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं अटैक क्या होता है। अटैक में क्या होता है कि अटैक को हम एक टाइम देते हैं कि कितना मिली सेकेंड बाद हमारा कंप्रेसर एक्टिवेट होगा। जैसे ही सिग्नल थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेगा, उसके कितने देर बाद कंप्रेसर अपना काम करना सही से शुरू करेगा, ठीक है। जैसे ही थ्रेशोल्ड है, कंप्रेसर ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे यहाँ पे लड़ा, ठीक है, क्योंकि ये जो सिग्नल है ये थ्रेशोल्ड के पार है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने 0 मिलीसेकंड सेट किया है अटैक को, ठीक है, तो ये तुरंत काट देगा, क्योंकि ये 0 मिलीसेकंड वेट किया और इसने तुरंत इसको दबा दिया, कंप्रेस कर दिया। लेकिन अगर मैं इसको 10 मिलीसेकंड किया हूं, तो ये 10 मिलीसेकंड तक वेट करेगा ऐसे करके, उसके बाद जाके दबाएगा, ठीक है। मतलब कि मैंने अगर 0 सेट किया है, तो यहाँ पे कंप्रेसर देख रहा है जैसे ये सिग्नल क्रॉस किया, कंप्रेसर अटैक से पूछेगा हाँ भाई कितना वैल्यू है, तो इसने बोला 0 है, ठीक है। इसने तुरंत बोला कि अच्छा तो वेट नहीं करा, तुरंत काट दिया, क्योंकि 0 मिलीसेकंड वेट नहीं करेगा। अब ये यहाँ पे आया और मैंने इसकी वैल्यू रखी है 10, ठीक है। तो जैसे कंप्रेसर यहाँ पे टकराया कि भाई ये जो सिग्नल है ये थ्रेशोल्ड के ऊपर जा रहा है, अटैक भाई जल्दी से बता कितना वैल्यू है, इसने कहा 10 मिलीसेकंड, तो ये 10 मिलीसेकंड तक वेट करेगा और फिर जाके तुरंत ये इसको काटना शुरू कर देगा, ठीक है। ये तो हो गई थियरी पार्ट, अब आते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पे। यहाँ पे मैंने पैड लिया हुआ है, ठीक है, मैं इसको प्ले करता हूँ। अगर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होगी तो आप वॉल्यूम एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इसका वॉल्यूम कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि ये पीक टच कर रहा है, ठीक है। अब मैं इसमें कंप्रेसर लेता हूँ, ठीक है, मैंने कंप्रेसर ले लिया यहाँ पे। अब मैं कंप्रेसर को सेट करता हूँ, ठीक है। तो
मैंने सारी वैल्यू सेट कर ली, मैंने अटैक को रखा है 0.1 ms, ऑलमोस्ट 0 ms ही है ये, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस फाइल को एक्सपोर्ट करता हूँ ताकि इसका वेवफॉर्म मैं आपको दिखा पाऊँ। मैं इसका नाम लिख देता हूँ जीरो अटैक। अब इसका मैं अटैक बढ़ा देता हूँ, ठीक है, और फिर मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ और मैं लिखता हूँ 100 अटैक। इस वाले कंप्रेसर में इससे ज़्यादा ये नहीं जाएगा, नहीं तो मैं इससे ज़्यादा भी दिखाता, ये मैक्सिमम 100 जा रहा है, ठीक है। मैं जितनी फाइल एक्सपोर्ट किया हूँ अभी, मैं सबको लाता हूँ, ये 0 अटैक और ये 100 अटैक, ये दोनों यहाँ पे आ गया। मैंने इसमें कलर डाल दिया ताकि ये अच्छे से विजिबल हो। अब मैं बताता हूँ कि आपको ध्यान क्या देना है, ठीक है। मैंने रेशियो सेट किया था 2:1, ठीक है, मतलब जितना सिग्नल थ्रेशोल्ड के ऊपर जाएगा उसका आधा वो कट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितना सिग्नल ऊपर गया तो इसका आधा कट कर दिया इसने, ठीक, इसमें इतना है और इसमें इसका आधा कट कर दिया। मैंने मेकअप गेन कोई अप्लाई नहीं किया था, मैंने उसको इसलिए इसको ये बढ़ाया नहीं है, ठीक है। मैंने अटैक जीरो रखा था, अटैक जीरो रखा था तो हुआ क्या है, जैसे यहाँ पे कंप्रेसर आया और यहाँ पे टकराया, ठीक है, इसने अटैक से पूछा भाई कितना वैल्यू है, अटैक ने कहा 0, तुरंत ये थोड़ा भी वेट नहीं किया, तुरंत काट दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने 100 ms रखा था अटैक, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे आके जब कंप्रेसर टकराया, इसने देखा कि सिग्नल थ्रेशोल्ड के ऊपर जा रहा है, तो इसने अटैक से पूछा भाई वैल्यू क्या रखी गई अटैक के, तो अटैक ने बोला भाई 100 ms, ठीक है। तो ये फुल्ली एक्टिवेट होने में 100 ms का टाइम लिया, ठीक है, ये तुरंत यहीं से नहीं काट दिया, ठीक है, ये क्या किया कि यहाँ से हल्का हल्का काट रहा है और फिर ये जो दूरी है, ठीक है, फिर ये जो दूरी है जहाँ पे पूरा सही से एक्टिवेट हुआ, जहाँ से काटना शुरू किया, ये जो दूरी है ये 100 ms की है, ठीक है, तो ये यहाँ तक सही से नहीं काटा है, 100 ms के बाद जाके सही से एक्टिवेट होकर पूरा कट कर दिया, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें हमने सेम रखी थी, थ्रेशोल्ड, रेशियो, रिलीज, गेन, बस अटैक हमने कम रखा था। तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे 0 ms था, इसलिए जैसे ही आया उसने 0 ms लिया अपना काम दिखाने में और यहाँ पे 100 ms लिया अपना काम दिखाने में, ठीक है, अटैक का काम यही होता। अब सेम चीज़ मैं कर सकता हूँ दूसरे भी कंप्रेसर से। मैंने कोई दूसरा अगर कंप्रेसर लिया ना, मैं जैसे शुरू में जो लिया था ये वाला कंप्रेसर, ठीक है, तो इसमें भी ये इनपुट है आपका, ये अटैक है, ठीक है, और ये रिलीज है आपका और ये रेशियो है 12:1, 8:1, 4:1, ठीक है। और अगर मैं GR पे क्लिक किया हूँ तो ये गेन रिडक्शन वाला मीटर दिखा रहा है, मैं अगर इन पे क्लिक किया हूँ, ये इनपुट मीटर, ये आउटपुट मीटर। अब ये मीटर भी देखना सिंपल होता है, ये सिंपली ऐसे दिखाता है कि कितना गेन रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अगर गेन रिडक्शन यहाँ पे दिखा रहा है ऐसे जा रहा है, मैं प्ले करके दिखाता हूँ। मैं इसको म्यूट कर दिया ताकि आपको बस ये दिखे, आवाज़ में सुनाई दे, ताकि मैं जो बोलूँ आप सुन पाए, ठीक है। देखिए जैसे जैसे ये आ रहा है, गेन रिडक्शन जैसे लग रहा है वो शुरू कर दे रहा अपना काम, ठीक है। तो ये मीटर फिलहाल ऐसे देखते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं रिलीज़ क्या होता है, ठीक है। तो रिलीज़ के लिए मैं एक डिस्प्ले वाला लेता हूँ, क्योंकि इसको ऐसे बताना बहुत टफ हो जाएगा, मैं एक डिस्प्ले वाला कोई कंप्रेसर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसको किया फुल स्क्रीन और मैं इसकी आवाज़ म्यूट कर देता हूँ ताकि हमें बस वेव फॉर्म दिखाई दे और आवाज़ उसकी ना सुनाई दे, मेरी आवाज़ सुनाई दे, ताकि मैं जो बता रहा हूँ आप वो समझ सकें, ठीक है। मैंने रिलीज़ बहुत कम रखा हुआ है, 10 ms पर रखा हुआ है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं इसको प्ले करूँगा, यहाँ पे वेव फॉर्म आना शुरू होगा, कंप्रेसर अपना काम करना शुरू करेगा, फिर मैं इतने पे एक स्क्रीनशॉट लूँगा, इतने पे रख के इसको मैं बढ़ाऊँगा इतना, फिर स्क्रीनशॉट लूँगा एक और इतना बढ़ाऊँगा, फिर स्क्रीनशॉट लूँगा, उसके बाद मैं आपको तीनों फोटो कंपेयर करके मैं दिखाऊँगा, ठीक है। मैंने किया इसको क्लोज। अब चलते हैं फोटो की तरफ और हम कंपेयर करते हैं फोटो को। अब देखिए ये कंप्रेसर के हमारे लाइन है, ये कंप्रेसर हमारा आया, ये थ्रेशोल्ड पे टकराया और यहाँ पे तुरंत अटैक किया और ये कट किया इसको, अब फिर ये तुरंत लौट गया। क्यों तुरंत लौट गया? क्योंकि रिलीज़ बहुत फास्ट है, रिलीज़ 10 ms पे, तो ये तुरंत लौट गया अपने इनिशियल पोजिशन पर। यहाँ भी उसने सेम किया कि यहाँ पे जैसे ही ये अपना काम ख़त्म किया, तुरंत अपने इनिशियल पोजिशन पर लौट गया, ठीक है। अब दूसरा स्क्रीनशॉट देखते हैं। अब इसमें क्या हुआ, इसमें मैंने रिलीज़ बढ़ा दिया, ठीक है, मैंने 208 के आसपास रखा था रिलीज़। अब इसमें क्या है कि ये तुरंत अपने इनिशियल पोजीशन पे नहीं जा रहा है, जैसे कि इसमें जा रहा था, तुरंत चला जा रहा था, लेकिन इसमें क्या है कि ये
208 मिली सेकेंड का टाइम ले रहा है अपने इनिशियल पोजीशन पे जाने के लिए, और यहाँ पे ये गया, ठीक है, काफ़ी टाइम लिया। अगर हम आगे देखते हैं जहाँ पे मैंने पूरा कर दिया था, इसको पूरा स्लो कर दिया था, यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है। यहाँ पे ये कट करके तुरंत ऊपर नहीं गया, धीरे से भी ऊपर नहीं गया, बहुत ज़्यादा धीरे ऊपर जा रहा है। अभी ऊपर जा ही रहा था उसके बाद तब तक तुरंत थ्रेशहोल्ड आ गया, फिर ये कट करना शुरू कर दिया, फिर यहाँ ऊपर जा रहा था तब तक थ्रेशहोल्ड फिर क्रॉस कर दिया और फिर इसने कट करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो रिलीज़ यही होता है कि कितना टाइम लेगा अपने इनिशियल पोजीशन में जाने के लिए, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए सिग्नल है, अब ये जो लाइट ग्रे दिख रहा है और ये आपको डार्क ग्रे जो दिख रहा है, ये वाला वेवफॉर्म और ये पीछे वाला वेवफॉर्म, पीछे वाला वेवफॉर्म कंप्रेशन के पहले का था और ये कंप्रेशन के बाद का है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रिलीज़ रखा है एकदम फास्ट, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा कंप्रेस किया, मतलब इतना था इसको कंप्रेस करके इतना ला दिया, ठीक है। मैंने इसको आगे किया, जब मैंने इसको थोड़ा सा स्लो किया तो ये ज़्यादा कंप्रेस करने लगा, ये इतना था इसको इसने इतना कर दिया कंप्रेस, ठीक है। जबकि जब ये फास्ट था तो कम कंप्रेस कर रहा था ये वाला पार्ट। अब अगला फोटो देखते हैं, अब यहाँ पे हमने और स्लो किया तो ये और ज़्यादा कंप्रेस इसको कर रहा है, ठीक है। तो ये काम होता है फिलहाल रिलीज़ का, ठीक है। तो आज का ट्यूटोरियल यहीं तक, मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने अपने ओर से पूरी कोशिश की कि ईजिएस्ट वे में आपको समझा पाऊँ। अब अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि एक बिगनर इंसान जो कि अभी सुन नहीं पा रहा है कंप्रेसर को, या फिर जिसके पास अच्छा मॉनिटरिंग डिवाइस नहीं जिससे कि वो सुन पाए, वो कैसे कंप्रेसर को लगा सकता है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद।